दिल्ली एनसीआर पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी की मार झेल रहा है, लेकिन अब दिल्ली वालों को इस गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली में आने वाले दो दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से जोरदार बारिश की झड़ी लगने वाली है। मौसम का मिजाज बदलेगा तो माहौल खुशनुमा रहेगा, जिसका दिल्ली वालों को बेसब्री से इंतजार रहता है। मानसून आने के बाद दिल्ली एनसीआर में काफी उमस की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि अब उम्मीद है कि इससे जल्द ही राहत मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 7 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों में मध्य से भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। इस कैटेगरी में 15.6 mm से लेकर 115.5 mm तक की बारिश होने की संभावना रहती है। दोनों ही दिन अधिकतम तापमान गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर में मौसम कैसा रहेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक दिल्ली में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। इस दौरान 4 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 5 जुलाई को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 6 जुलाई की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं 7 जुलाई को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली से लोकल 18 के लिए अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।